Raj, you have done a great job. Sharma ji, आपने बहुत अच्छा काम किया. बस यूं ही प्रगति करते रहो, आगे बढ़ते रहो और सबको यात्रा कराते रहो. थैंक यू यात्रा लगातार निरंतर जारी है और अभी पहुंच चुके हैं हम लोग हिमकोटी पे. और दरअसल अभी जो थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे देन फिर माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है प्रोसीड करूंगा. लेट्स सी कि क्या खाने का दिल करेगा मेरा. बट मोस्ट प्रॉब्ली मैं जहां थोड़े से राजमा और चावल ही ज़्यादातर खाता हूँ और उसके बाद मिलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर. जय माँ. मेरे पीछे भी है खड़ा हुआ खुद राजमा चावल कितना जय माता दी. यात्रा लगातार निरंतर जारी है.
बहुत ही मनमोहक अलौकिक भजन इस पूरे ट्रैक में लगे हुए हैं। और एक भक्ति इस रास्ते में जनी भजन सुनते ही मन विचार दिल बदल जाता है इस रास्ते में। और अभी हेमकोटी से निकला हूँ, इत्तू से चावल खाए और जहाँ से जो लगभग जो सफ़र रहा है माता वैष्णो देवी दरबार का, सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर के बाद माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुँच जाऊँगा। तो आप लोग बने रहिए पूरे इस डिजिटली ब्लॉग के साथ। जय माता दी। साथियों, मेरी आज की इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी ने ताज़ा मौसम और यात्रा का नज़ारा देख ही लिया होगा। अंत में आप सब डिजिटली रूप में माँ वैष्णो देवी के भवन के घर बैठे ही दर्शन करें। और मेरी यही प्रार्थना है कि माँ हम सब भक्तों पर अपना जो आशीर्वाद है बनाए रखे। और इसी तरह आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल डेली यात्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।